वेलकम टू माय यूट्यूब किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल बास्केट चाट की रेसिपी जो कि बनी है ब्रेड से। और इस चाट को ना हम डीप फ्राई कर रहे हैं ना शैलो फ्राई कर रहे हैं, तो भी ये इतनी क्रिस्प और क्रंची है। तो आइए देखते हैं कैसे हम बनाते हैं ये स्पेशल ब्रेड बास्केट चाट घर पे। ब्रेड बास्केट बनाने के लिए हम लेंगे फ्रेश सॉफ्ट ब्रेड स्लाइसेस। ध्यान रखिए कि ब्रेड पुरानी या ड्राई ना हो, नहीं तो वो टूट जाएगी। और इन ब्रेड स्लाइसेस के हम एजेस चारों तरफ से रिमूव कर देंगे। एजेस रिमूव करने के बाद में हम हर ब्रेड स्लाइस को एकदम पतला रोल कर लेंगे बेलन यूज करके। ऐसा करने से ब्रेड स्लाइसेस की थिकनेस कम हो जाएगी और उनकी बास्केट बनाना आसान रहेगा। रोल करने के बाद में हम ब्रेड की चारों साइड्स में सीजर लेके आधे आधे इंच के कट्स बना देंगे। और अब हम हर एक ब्रेड स्लाइस को ऑयल या घी से अच्छे से ब्रश करेंगे ताकि बेक करते हुए वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। सारी ब्रेड स्लाइसेस को इसी तरह प्रिपेयर करने के बाद में हम उन्हें एक मफिन ट्रे में अरेंज कर देंगे बास्केट के शेप में। और अब हम इन ब्रेड बास्केट को बेक करेंगे प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 15 मिनट्स, या फिर जब तक कि एकदम गोल्डन और क्रिस्प ना हो जाए। टडा, हमारी ब्रेड बास्केट अवन से बाहर आ गई हैं एंड दे आर लुकिंग सो क्रिस्प क्रंची। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप इनको 2 से 3 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इन्हें साइड में रख देती हूँ थोड़ा ठंडा होने के लिए। अब हम बनाएंगे आलू चाट की स्टफिंग। उसके लिए मैंने लिए हैं बॉयल्ड सफ़ेद मटर, जिन्हें प्रेशर कुकर में बॉयल किया है नमक और पानी के साथ में। इसमें हम डालेंगे कटे हुए उबले आलू, बारीक कटी हुई प्याज, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, नमक स्वादानुसार, रेड चिली पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला जो कि मस्ट है, और पोमीग्रेनेट यानी कि अनार। और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी जो आलू चाट की स्टफिंग है ब्रेड बास्केट के लिए वो एकदम तैयार है। तो आइए बनाते हैं ब्रेड बास्केट चाट। एक ब्रेड की बास्केट में हम भरेंगे करीब 1 बड़ा चम्मच आलू चाट की स्टफिंग। इसके ऊपर मैं डालूंगी फिटी हुई दही, ध्यान रखिए दही खट्टा ना हो टेस्ट में, मीठी चटनी, अगर मीठी चटनी नहीं है तो आप दही में फेंटते हुए चीनी भी मिला सकते हैं, पुदीने और धनिये की चटनी, और क्रंचीनेस के लिए सेव भुजिया। तो हमारी क्यूट और कलरफुल ब्रेड बास्केट चाट तैयार है। आपने देखा हमने कितने कम तेल में ये ब्रेड बास्केट बनाई है और ये कितनी सुंदर लग रही है। आई एम श्योर आपकी फैमिली और फ्रेंड्स को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर ये बास्केट चाट का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक नए वीडियो के साथ में।